Hello guys, this is Sachin Tanwar, All India Rank 70 in GATE CS 2020. I'm pursuing my M.Tech at IIT Delhi. Okay, so this video is going to be about what happens after you get a good rank in GATE. And the second part of this video would be what I'm up to right now. कि अभी तक क्या रहा है, ठीक है. सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातें, ठीक है. एक मोटिवेशन जो थोड़ा सा रखते हैं कि व्हाट हैपेंस. सो यू नॉर्मली नो द फर्स्ट थिंग इज आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है. इनफैक्ट व्हेन आई सॉ द रिजल्ट इट वाज आई वाज शिवरिंग, ठीक है, क्योंकि वो आपकी खुशी इतनी होती है बिकॉज यू वर एमिंग फॉर समथिंग एंड यू गॉट दैट. तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. फैमिली में सब बहुत खुश होते हैं, ठीक है. दिस इज बहुत एक प्यारी सी फीलिंग होती है. एवरीवन इज लाइक बहुत खुश सब. और बहुत टाइम के बाद जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीज़न इज़ यू. तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अब आपकी फैमिली को और आगे ले जाने वाला है, ठीक है. बिकॉज हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसे नहीं है कि कोई बहुत हायर एजुकेशन तक गया हो, ठीक है. सो आई वॉज द फर्स्ट वन जो एम टेक कर रहा होगा और आई आई टी भी जा रहा है. तो दैट वॉज अ गुड थिंग, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना. उसके अलावा फ्रेंड्स की भाई कॉलेज वाले फ्रेंड्स तो अप्रिशिएट करते ही हैं, ठीक है. स्कूल फ्रेंड्स वो भी बोलते हैं, लाइक उनको भी बहुत प्राउड फील होता है. सो सब कनेक्शन बनना लगता है, ठीक है. जिनसे बात नहीं हो रही थी उनसे भी बात होने लगती है, विच इज़ लाइक बहुत अच्छा फील होता है. ये कुछ ही टाइम का, मतलब बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है, बट इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. इट इज़ अ रिवॉर्ड ऑफ गेटिंग दैट रैंक जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, ठीक है. उसके अलावा थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लगती है. अभी तो एडमिशन लेने की बात भी नहीं है, उससे पहले ही आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है. इफ़ यू वॉन्ट टू टीच, मेंटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आई गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने फुलफिल भी की, लाइक आई डिड सम वर्क फॉर सम टाइम, ठीक है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं. रिगार्डिंग अगर मैं कॉलेज की बात करता हूँ तो थोड़ा आ जाते हैं कि व्हाट आई अप्लाइड फॉर, कौन कौन से कॉलेज अप्लाई किए एंड व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इन द फ्यूचर. सो कॉलेज जो काउंसलिंग में मैंने अप्लाई किए थे दोज वर आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मद्रास. आई न्यू कि इनमें से आराम से मिल जाएगा. हैविंग अ रैंक ऑफ AIR 70 आई वॉज लाइक क्लियर कि ज़्यादा अप्लाई करना मतलब आप पैसा ही बर्बाद करने वाले हो एक तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा अप्लाई करते हो तो आपको एक फीस भी पे करना होता है व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द कॉलेजेस. तो पता था कि इन चारों में हो जाएगा आराम से, ठीक है. तो इन्हीं चारों को मुझे टेस्ट करना था. सो आई गॉट आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास. आईएससी नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, दैट क्लोज डाउन एट 63 और 64, लाइक इन 60s ओनली रैंक में वो बंद हो गया था, ठीक है. सो आई हैड द ऑप्शंस फॉर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास. सो आई चोज आईआईटी दिल्ली बीइंग अ डलाइट, क्योंकि दिल्ली से ही था तो आई प्रेफर्ड इट. बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा रहता है कि भाई आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं या फिर आईआईटी दिल्ली ही क्यों. बहुत सारे लाइक अकॉर्डिंग टू मी बोथ आर इक्वल, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बराबर है, ठीक है. बस प्लस पॉइंट मुझे जो लग रहा था दिल्ली का, कि दिल्ली का मुझे पता है, ठीक है. ऊपर से यहाँ का एनवायरमेंट वगैरह आई एम वेरी मच फैमिलियर ऑफ, ठीक है, फैमिलियर विद. उसके अलावा बैच साइज छोटा होता है, ठीक है. आईआईटी बॉम्बे में आपको बैच साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आईआईटी दिल्ली में बहुत छोटा बैच साइज रहता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ बहुत सारे, ठीक है, नॉर्मली आपके पास अवेलेबल रहता है. तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दिल्ली बॉम्बे का, ठीक है. स्ट्रिक्टनेस भी बराबर है, सेम असाइनमेंट, सेम आपके ऊपर प्रेशर भी आने वाला है, ठीक है, इफ़ यू ज्वाइन इट. सो दैट वॉज जस्ट माई थिंकिंग, दिल्ली से था तो आई ज्वाइन दिल्ली, ठीक है. आफ्टर गेटिंग द कॉलेज आईआईटी दिल्ली, तो एक नॉर्मल सी चीज़ भी रहती है कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा जस्ट बिफोर गोइंग टू द आईआईटी और नॉट. जब एमटेक आपकी शुरू होने वाली होगी उससे पहले आपको कुछ करना चाहिए नहीं. तो इतना तो पता था कि कोविड की वजह से बहुत थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एंड आई हैड सम जॉब ऑल्सो जो मैं पहले से कर रहा था. तो आफ्टर यू नो उनसे प्रॉपर अलविदा लेकर के, उन प्रॉपर रेजिग्नेशन डालने के बाद आई ट्राइड समथिंग कि भाई थोड़ा सा अपने ब्रशअप किया जाए कॉन्सेप्ट्स को, विच इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको हेल्प करेगा वो. अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल इट मेक्स योर लाइफ ईजी इन IITs, क्योंकि IITs में थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला होता है, ठीक है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर जो भी थे मेनली, क्योंकि जब भी कोई बच्चा डेटा स्ट्रक्चर की बात करता है तो सब जब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक तब भी पहुँच जाते हैं, क्यों भी पहुँच जाते हैं, बट ट्रीज, ग्राफ एल्गोरिदम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट नहीं करते हैं. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट.
थोड़ा सा प्रैक्टिस में आने के लिए, ठीक है, नोइंग देन एम इम्प्लीमेंटिंग देम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो मैंने वो शुरू किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने शुरू किए सो दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ. अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आपको होना चाहिए. तो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी शुरू किया, बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो पहले से अच्छा है बट सर्टेनली ब्रश्ड अप दोज कॉन्सेप्ट. प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो सब्जेक्ट और टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नॉर्मली भी अगर आप रखते हो तो बहुत आपके काम आने वाला है. तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने की. एक कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग भी मैंने शुरू की अपने साथ में, थोड़ा सा कोडिंग इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज आई नो आई कैन कोड बट द थिंग इज टाइम बाउंडेड फ्रेम में आप कितने अच्छे से कोड कर सकते हो. दैट आई स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू गेट इन टू IIT. ठीक है, कि मतलब IIT जाने से पहले कैसे क्या आपको करना चाहिए. थैंक यू गाइज़.